गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने बात की थी मैथ के अंदर, थर्ड क्लास की मैथ बुक निकाल लीजिएगा। कल हमने बात की थी चैप्टर फर्स्ट में रिव्यू के अंदर हमने डिजिट पढ़े थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन क्वेश्चन तक मैंने कल कंप्लीट करवा दिए थे। इसके बाद में है एट वाला क्वेश्चन। देखिए एट वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फील इन द ब्लैंक स्पेस। जो स्पेस दिया गया है, ब्लैंक्स दिया गया है, उसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है। एट में फर्स्ट है 251 कम्स आफ्टर 251 कम्स आफ्टर, क्या आएगा इसमें 251 कम्स आफ्टर। इससे, इस डिजिट से जस्ट पहले की संख्या कौन सी है, 250 कौन सी है, 250 ठीक है। उसके बाद में है कम्स बिफोर, कम्स बिफोर 789 कम्स बिफोर 789। इससे जस्ट पहले की संख्या कौन सी है, कौन सी है, 788। फिर उसके बाद में 789 इसी प्रकार से आता है ना। अगला देखिए 725 कम्स इन बिटवीन, सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव कम्स इन बिटवीन। कहने का मतलब ये है 725 वाली जो डिजिट्स है, इसके जस्ट पहले की और इसके जस्ट बाद में, अर्थात बिफोर और आफ्टर की संख्या लिखनी है। तो क्या आएगा 725 एंड क्या आएगा 726। 25 कम्स इन बिटवीन, कहने का मतलब ये है 725 वाली डिजिट में बिफोर वाली एंड आफ्टर वाली संख्या लिखनी है। तो कौन सी आ जाएगी 724 एंड 726। नेक्स्ट देखिए 863 कम्स बिफोर 863 कम्स बिफोर। इसमें क्या बताना है, इस ये जो डिजिट है इसके जस्ट आफ्टर वाली संख्या लिखनी है। कौन सी आएगी 864, कौन सी है 864। नेक्स्ट है 932 कम्स आफ्टर, 932 कम्स आफ्टर। इस डिजिट से पहले कौन सी डिजिट आती है 931, कौन सी है 931। नेक्स्ट देखिए 689 कम इन कम्स इन बिटवीन,
689 comes in between. क्या बताया था मैंने, जैसे हमने इसमें किया है वैसे हमें क्या करना है, इसमें किया करना है 689 comes in between. कहने का मतलब ये है इस डिजिट से जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वाली डिजिट बतानी है. क्या आ जाएगी 688 एंड 690, 680 एंड 690. ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको क्लियर करना है. अगला वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे. थैंक यू.